नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN24 न्यूज। वकील के घर में संगीन गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल ने छापा मारा। कई लोगों को लिया गया हिरासत में। घर में ताला लगाकर अंदर कुछ लोग बैठे होने और कुछ आधार कार्ड की बात सामने आई। इस पूरे मामले की जांच कराकर मुकदमा दर्ज कर की जाएगी कार्रवाई। मतदान केंद्र में काफी करीब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के औरंगाबाद का मामला। क्या है पूरा मामला? देखिए, औरंगाबाद शहर में एक वकील के मकान में कई लोगों के इकट्ठा होकर और कतिपय प्रकार की गतिविधियां करने की सूचना सामने आई थी, तो उसमें क्षेत्राधिकारी नगर और सिटी मजिस्ट्रेट साहब द्वारा वहां पर जाकर जब देखा गया तो उन लोगों द्वारा अंदर से ताला लगाकर और उन लोगों को वहां से भगाया गया। लेकिन वहां पर लोगों के बैठे होने और कुछ आधार कार्ड इत्यादि के होने की बात सामने आई है, उसकी जांच कराई जा रही है। जिन लोगों का घर है उनको बुलाकर पूछताछ की जाएगी। किसी की गिरफ्तारी हुई है सर? गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, अब उसमें हमें वेरिफिकेशन पूरा कराना पड़ेगा। जब वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा और कोई भी बात सामने आएगी तो उसमें हम लोग FIR पूछताछ के लिए हिरासत में पूछताछ के लिए कुछ लोगों को लाया गया है। अभी सारी चीज़ें अभी पूरी चीज़ें कन्फर्म करके आपको बताई जाएंगी और जो भी लीगल वायलेशन सामने आएगा उसमें FIR भी कराई जाएगी और इस पर सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। आधार कार्ड बन रहा था अभी, अभी 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 सभी चीज़ें चेक कराना बाकी है, लेकिन वोटिंग बूथ के इतने पड़ोस में इतने ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना अपने आप में आचार संहिता का एक उल्लंघन है और इस प्रकार से संदेह के रूप में भाग जाना और अपनी पहचान न बताना वो भी एक समस्या है, जिसकी पूरी जाँच अभी हम लोगों को करानी पड़ेगी। पूरी जाँच कराएंगे और इसमें जो भी आगे की बातें सामने आएंगी आप लोगों को शेयर करेंगे।